कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घंटों में ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़कर फिर से $80 प्रति बैरल के नजदीक पहुंच गए। इसी के बाद घरेलू बाजार में देश के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली में 2 अक्टूबर को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 14 पैसे हो गई है। वहीं डीजल के दाम भी बढ़कर 90 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। आपको बता दें कि इस हफ्ते में पेट्रोल यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल के दाम ने सेंचुरी का आंकड़ा पार कर लिया है। इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। इन सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुकी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ओपेक प्लस की बैठक 4 अक्टूबर यानी सोमवार को होगी। इस बैठक से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन घटाने की तैयारी है। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इन्हीं खबरों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौटी है। आने वाले दिनों में ये तेजी बरकरार रह सकती है। आपको बता दें कि भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतें तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। कीमत तय करने में विदेशी बाजार में क्रूड ऑयल के दामों का बड़ा रोल होता है। तेल कंपनियां क्रूड ऑयल की 15 दिनों की औसत कीमत और डॉलर के मूल्य के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती हैं। सीएनजी भी बढ़ा दी इन्होंने, उसी हिसाब से अब वापस होने चाहिए। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम भी रोज बढ़ रहे हैं, लगातार तीसरे दिन बढ़े हैं। हाँ जी, वो भी बढ़ रहे हैं जी, पेट्रोल के डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है जी, देखो जी, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ जाए वो तो चल जाएगा, लेकिन हम तो ये कहते हैं सरकार से कि देश सुरक्षित रहे। बस हमारे को बस सिर्फ देश सुरक्षित चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। रेट चाहे ये और बढ़ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा अच्छी जगह लग रहा है, कहीं काम आ रहा है, हमें ये चाहिए। ठीक है जी। मेरा नाम सोनू। सीएनजी लिया आज आपने? हाँ जी। कितने की सीएनजी भरवाई? सीएनजी भरवाई मैंने 200 रुपए की जी। सीएनजी महंगी होती जा रही है, 2 रुपए 28 पैसा पर किलो महंगी हो गई आपके बस से। ये तो आपसे ही पता लगा है महंगी होगी, उस तरफ मैंने भी वैसे ध्यान नहीं दिया, पर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो क्या कुछ होना चाहिए? महंगाई पर देखो कंट्रोल होना चाहिए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सबसे पहले राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों ने झटका दिया है और एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि महंगाई के सारे ही सरकार इस समय चलाई जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। राजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो महंगाई के कारण जेब पर इस समय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसका जो असर है वो अन्य वस्तुओं के दामों पर भी पड़ रहा है, जिस कारण जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो सबसे ज्यादा परेशान है। महंगाई से जेब लगातार भारी होती जा रही है। हालत ऐसी है कि कच्चा तेल सस्ता हुआ तो 65 पैसे की राहत देने में तेल कंपनियों ने 50 दिन लगा दिए, जबकि कच्चा तेल महंगा होने के नाम पर 45 पैसे प्रति लीटर की चढ़ाई 3 दिन के अंदर ही कर दी गई। कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो तुरंत तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती हैं, लेकिन कच्चे तेल का दाम घटने पर राहत देने के नाम पर पेट्रोलियम कंपनियों की मानो जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वे इसमें बहुत समय लगा देती हैं। लगातार 100 रुपए के पार चल रहा पेट्रोल भराने वाली जनता की हकीकत यही है कि उसे राहत देने के नाम पर महज लटकाया जाता है। जब त्यौहार शुरू होने वाले हैं और एक एक रुपए जनता के लिए कीमती होता है, तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम पिछले 3 दिन में 2 बार और डीजल की कीमत 7 दिन में 5वीं बार बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली NCR और पंजाब देश के वो राज्य हैं जहां ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा इस समय बिक रहा है। राहत देने के नाम पर हालत ऐसी है कि कच्चा तेल अगर सस्ता होता है तो 65 पैसे की राहत देने में भी तेल कंपनियों ने 50 दिन लगा दिए। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, एक बार फिर से आम जनता की जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। राजीव,
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है, और यहाँ तक की बात करें घर गृहस्थी की, अब घर गृहस्थी भी संभालना मुश्किल पड़ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम कहें या एलपीजी के दाम कहें या सीएनजी के दाम कहें, वो निरंतर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकारें इसके अंदर कुछ भी कदम नहीं उठा रही, और जनता जो है वो बिल्कुल पिसती हुई नजर आ रही है, और जनता के हाथ में अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दिख रहा है कि जनता कितना परेशान है। आपके पीछे भी काफी सारे लोग खड़े हुए हैं राजीव, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो किस तरीके से वो अपना इस समय घर चला पा रहे हैं। राजीव देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, हम जनता के बीच में खड़े हुए हैं, और जनता का कहीं ना कहीं गुस्सा भी झेलने को मिल रहा है, क्योंकि जनता जो है वो यही चाहती है कि सरकारें जो है वो कदम उठाएं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो ताकि उनकी जो घर गृहस्थी है वो चल सके। मगर यहाँ पर जितनी जनता खड़ी है, सोचिए अब इन जनता के बीच में कितना गुस्सा है। मगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लगातार इन जनता से भी बात भी करेंगे, क्या वाकई ही इनकी जो नाराजगी है वो सरकारों से है, और किस तरीके से नाराजगी है इनकी। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार सूर्या। सर ये बताइए कि घर गृहस्थी चलाने के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी के दाम, सीएनजी के दाम निरंतर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम एक टाइम खाना पक रहा है घर के अंदर, एक टाइम खाना पक रहा है, और गैस इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि इस टाइम तो क्या करे आदमी, खाएगा या गाड़ी चलाएगा गैस चलाएगा। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या लगता है कि सरकारें जो दाम बढ़ा रही है पेट्रोल डीजल के वो सही है? अभी तो खूब बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इनका काम ही है जनता को मारना, क्योंकि जनता क्या करे, अगर इनके पास खाने पीने को नहीं तो रात को चोरियां करेंगे, डक्के दे, इसी से सारा काम होगा, क्योंकि जनता ये क्या है, जो जो नेता ना यही लोग भाई इनको बढ़ावा देते हैं। अच्छा अब इलेक्शन भी आ रहे हैं और सरकारें कहीं ना कहीं जनता को रुझाने के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं, क्या वो वादे सच्ची में सच होते हैं या फिर धरातल पर सिर्फ बेवकूफी बनाया जाता है? सिर्फ सपने दो लोगों को, बेवकूफ बनाओ और वोट लो बस। अच्छा आप बताओ, आप यहाँ पर अपने घर गृहस्थी का गुजारा किस तरीके से करते हैं? मैं तो पहली बार ये देख रहा हूँ कि डेली की डेली पेट्रोल डीजल और एलपीजी के डेली दाम बढ़ रहे हैं, कल भी गैस के सिलेंडर में पैसे बढ़े हैं, डेली का रोज का काम है ये, पहली बार ऐसा हुआ है कि डेली की डेली इसमें ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा, आप लग शायद ऑटो चलाते हैं, क्या लगता है कि जो पेट्रोल डीजल के सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत महंगाई हो गई है, डीजल पेट्रोल का दाम जब बढ़ेगा तो सब्जी पे सब पे आ गया है, इसीलिए महंगाई बहुत हो रही है, क्या किया जाए, आदमी कैसे करेगा, भूखा मरेगा। तो देखा आपने, जो ऑटो चलाने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, या फिर डेली जो कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों की परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। राजीव एक अहम सवाल ये भी है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो अपने स्तर पर कुछ राहत दे सकती हैं, देखिए उनकी भी मजबूरियां हैं, वो अपने स्तर पर सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी अपना जो राजस्व है उसका ध्यान रखना है, लेकिन क्या थोड़ी बहुत भी मदद राज्य सरकारों की तरफ से नहीं की जा सकती? अगर वो इतने ही हितैषी बनते हैं जनता के तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, हम इस सवाल का जवाब भी जो जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो राज्य सरकारें हैं क्या वो अपने लेवल पर थोड़ी बहुत राहत नहीं दे सकती है जनता को, हम इन जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। हम आम आदमी पार्टी की बात करें क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, क्या दिल्ली के अंदर किस तरीके से सवाल जनता जो है वो कहीं ना कहीं, जनता जो सरकारें हैं वो कुछ ना कुछ वादे करती हैं, क्या वो राहत नहीं दे सकती? आप बताइए। ये दोनों चोर है, मोदी जी भी और केजरीवाल भी, दोनों ने कच्छे पहने हुए हैं, ये जनता को मारना चाहते हैं और इतना मार दिया है कि जनता वापसी उठ नहीं पाएगी, 25 साल तो उठ नहीं पाएगी अब जनता, और इन दोनों को सोचना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो महंगाई हो रही है उससे जनता बहुत परेशान है, हमारे बच्चे स्कूल वगैरह सब बंद हो चुके हैं, जो 60 साल की जो पेंशन है केजरीवाल जी ने वो बंद कर दी, अरे कुछ तो शर्म करो, तुम महंगाई कर रहे हो, इधर तुम पेंशनें बंद कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो, दोनों के दोनों डाकू और चोरों। अच्छा सर ये बताइए, आप बताइए क्या आप भी एक मिडिल क्लास से ही हैं, क्या लगता है कि सरकारें कुछ राहत दे रही हैं आप लोगों को? नहीं सर, राहत तो कुछ ही नहीं मिल रहा है इस टाइम, हमारी जनता की एक माध्यम होता है कि मीडिया के माध्यम से ये बात रखे, आपने हमें सवाल करा राहत मिल रही है, आप पत्रकारिता कर रहे हो इस पे, एक बार आप धरातल पे मतलब जो जमीनी स्तर पे देखो तो सही, हो क्या रहा, कुछ ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब क्या मिल रहा है आप ये बताओ, जब से ये सड़क बन के गई है वो नाले की पाइप ढाल के गई है, उसके ऊपर दोबारा वो नहीं हुआ, उसके ऊपर दोबारा प्लास्टर नहीं डाला। अच्छा एक सवाल जरूर हम आप सबसे पूछना चाहेंगे, क्या पेट्रोल जो गाड़ियां चलाते हैं आप लोग, स्कूटी वगैरह चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, उसके अंदर पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और कितने का डलवा रहे? सर पहले जितने डलवाते थे उससे डबल पे अभी डलवाना पड़ रहा, फिर भी उसका पूरा कहाँ पड़ रहा, वो पैसे आएंगे कहाँ से,
आप एक बारी जमीन स्तर में इस बातों को सोचो कि जो हमारे पास जो 50 रुपए की पेट्रोल हम डलाते थे आज 100 रुपए की डालना पड़ रहा है, लेकिन वो पैसे आएंगे कहाँ से? अब वो सोर्स कहाँ है? आप बताइए आप पैसे कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि जैसे बाइकों के लिए तेल डलवाना है तो तेल पहले कितने का डलवाते थे? पहले डलवाते थे 100 रुपए का और डलवाते 300 रुपए का, और उससे भी गुजारा होता है क्या? उससे गुजारा नहीं होता हमारा। अच्छा आप बताइए क्या गुजारा होता है? आज की डेट में बिल्कुल गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। कैसे ना क्या धक्का पहली गाड़ी चल रही है, चला रहे हैं कैसे जुगाड़ करके कभी चीजें ले। सरकारें जो वादे करती है कि इलेक्शन टाइम में आप निगम के भी इलेक्शन आ रहे हैं, वादे करी किए जाएंगे, आप लोग ग्रुप क्या सोच के वोट देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे, किसी को भी वोट नहीं, किसी को वोट ही नहीं देना, नहीं देना किसी को, सारी सरकार धोखेबाज है। देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता जो है वो अभी भी नाराज है, और कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो शायद आने वाले दिनों के अंदर चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं सरकारों को भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बात यही है कि जब जनता गुस्सा होती है तो उनका खामियाजा भी इन सरकारों को भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर तमाम जानकारी के साथ, और जनता की राय भी आपने हम तक पहुंचाई। तो हमने आपको दिखाया राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें कि किस तरीके से जो आम जनता है वो इस समय परेशान है, क्योंकि उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, और राजधानी दिल्ली में तो जैसे हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से लगातार 100 रुपये के पार पेट्रोल की कीमतें हो रखी हैं। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है लोगों के लिए। सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी ताकि दूसरे गरीब लोगों को सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के धुएं से आज़ादी दी जाए, लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार भी महंगे सिलेंडर के आगे लाचार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक कच्चा तेल अगर $1 भी सस्ता हो जाए तो तेल कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए की बचत होती है, जबकि पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया टैक्स बढ़ाने से 13,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा सरकार का होता है। टैक्स बढ़े तो सरकार कमाए, कच्चा तेल सस्ता हो तो पेट्रोलियम कंपनियां और आम आदमी देखता रह जाए। आखिर महंगाई से जलती जेब पर मरहम कब लगेगा, ये बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। हम सिर्फ इसी साल की अगर बात करें तो गैस सिलेंडर के दामों में भी ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। 1 जनवरी को गैस सिलेंडर 694 रुपये का था, 1 सितंबर को इसकी कीमत 884 रुपये हो जाती है। 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई सिलेंडर में गैस बनाकर डाल दी गई है, और 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की जीडीपी बिगाड़ने वाली सिलेंडर में आ चुकी है। यानी कि ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो भी लगातार आसमान छू रहे हैं, और इससे लोगों का जो बजट है वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालत लगातार खराब होती हुई दिख रही है, और इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना होगा। रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब इस समय मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुरारी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, महाराष्ट्र में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में बात करें तो कितने इस समय दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं, और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? मुरारी जी, पल्लवी बिल्कुल सही कहना है, पेट्रोल और डीजल के दाम प्रतिदिन उछाल देखे गए हैं, और आज भी मुंबई में 24 पैसे से ज़्यादा जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आकी गई है। अगर पेट्रोल की बात करें तो 108 रुपया 31 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है, जिसका असर जो है ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज़्यादा पड़ा है, और इसकी वजह से चाहे खाने पीने की चीज़ हो, भाजी मार्केट के दामों की अगर बात करें तो यही वजह है कि लगातार भाव बढ़ रहे हैं। पल्लवी, मैं इस समय एक पेट्रोल पंप के पीछे हूँ। अमूमन इस पेट्रोल पंप पर बहुत गर्दी होती थी, बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उसके बाद से मानो कि पेट्रोल पंप भी खाली दिख रहे हैं। पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं या फिर जो वहां कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि भाव बढ़ने की वजह से सेल पर भी इसका काफी असर पड़ा है, जो सेल होता था उसमें भी गिरावट हुई है। लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं महंगाई भी अब आसमान छू रही है। जी पल्लवी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम तो कुछ इस तरीके के हैं, अगर इनमें वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं के दामों में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है, तो उसका सीधा सा असर तो आम जनता पर ही पड़ रहा है। बात उद्धव सरकार की कर लें तो क्या उद्धव सरकार अपने स्तर पर कोई विचार कर रही है कि बढ़ती कीमतों से, बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत दी जाए? क्या वो अपनी तरफ से वैट कम करने के बारे में विचार नहीं कर रहे? मुरारी
अपल्लवी देखिए, लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें तो जब पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा पार हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चाहिए कि जो टैक्स है, जो वेट है, उसे कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल के दामों पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन कई महीने गुजर गए और पेट्रोल के दाम अब 108 रुपए हो गए हैं, उसके बावजूद भी राज्य सरकार कहीं से कोई गंभीरता लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है, चाहे महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। जी बिल्कुल, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है, आपने तस्वीरें भी दिखाई कि अब लोग जो हैं वो जाते ही नहीं हैं, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो ये भी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोल पंप इस समय खाली पड़े हुए हैं। मुरारी, अब सवाल ये है कि इसी तरह के अगर हालात बने रहे तो आने वाले समय के लिए क्या उम्मीद की जाए, कितनी महंगाई और बढ़ सकती है और लोगों के लिए रोजगार वैसे ही नहीं रह गया है, तो क्या उद्धव सरकार लोगों की जेब में पैसा जाए इसके लिए किसी योजना पर काम कर रही है? महंगाई आप नहीं कम कर सकते लेकिन कम से कम रोजगार की व्यवस्था तो कर सकते हैं। मुरारी, पल्लवी देखिए, उद्धव सरकार की रणनीति क्या है और आगे महंगाई कितनी बढ़ेगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं और पिछले 15 दिनों में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसका खामियाजा मिडिल क्लास से लेकर गरीब तबके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहाँ कोरोना काल की वजह से बहुत लोगों के रोजगार चले गए हैं, धंधे काफी मंदे पड़ चुके हैं और ऐसी स्थिति में महंगाई का सामना करना, वो भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ के हालात काफी खराब हो चुके हैं। ऐसे में अगर उद्धव सरकार कोई गंभीरता नहीं लेती, केंद्र सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं बनाती और इस टैक्स पर वेट पर कोई विचार नहीं करती तो हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसे सुधार पाना राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार को काफी भारी पड़ेगा। लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि जब अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी तो महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया था कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उन्हें जीएसटी के दायरे में ना लाया जाए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को डर था कि अगर जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो इसका एक गलत असर पड़ेगा और उन्हें अंदाजा नहीं था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस तरह उछाल मारेंगी कि 108 का आंकड़ा पार होगा। अब ऐसे में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है। अगर उद्धव सरकार केंद्र सरकार के साथ चर्चा करती तो जरूर राहत मिल पाती, क्योंकि मुंबई सहित अगर नासिक की बात करें जहां बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के काम चलते हैं वहां पर भी इसका भारी असर पड़ा है। मुंबई के वासी मार्केट की बात करें तो वहां पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों के असर के बाद मार्केट काफी खामोश दिख रहे हैं, तो हालात बद से बदतर न हो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कोई रणनीति बनानी चाहिए। त्योहार नजदीक है मुरारी, आपसे हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि त्योहारों के मद्देनजर बाजार के किस तरह के हालात बने हुए हैं। देखिए पल्लवी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, लोग त्योहारों में भी अब कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर दबाने के फिराक में हैं, क्योंकि कुछ लोगों के रोजगार चल गए तो कुछ धंधे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में दीपावली के साथ साथ दशहरा और सबसे बड़ा नवरात्रि गरबा का पर्व आ रहा है, ऐसे में भी बाजारों में काफी खरीदारियां हुआ करती थी, लेकिन आज का अगर समय की बात करें तो पूरी तरह से बाजार पड़ी है। दुकानदारों का मानना है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माल है आते थे उनमें दुगना तिगुना इजाफा हुआ है और यही वजह है कि हम ग्राहकों को उनके भाव में नहीं दे पा रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो हालात जिस इसका असर बाजार के साथ साथ आम जनमानस पर भी पड़ रहा है। जी पल्लवी, मसले पर तमाम जानकारी के साथ, तो पेट्रोल के दाम ने सेंचुरी का आंकड़ा पार कर लिया है और जैसा कि मुरारी हमारे संवाददाता जुड़े थे मुंबई से, उन्होंने बताया कि अब पेट्रोल पंप पर भीड़ जो है वो कम नज़र आने लगी है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बाजार पर भी इसका असर दिख रहा है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ऐसे में त्यौहार नज़दीक होने के बावजूद भी अब बाजारों में उतनी भीड़ नज़र नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उबाल आने के साथ ही देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज यानी कि 2 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की है,
घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार यानी कि आज डीजल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि की है, तो वहीं पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक ईंधन की कीमतों में ताज़ा वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 102 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर हो चुकी हैं, जो कि शुक्रवार को 101 रुपये प्रति लीटर थी। इसी तरह से जो डीजल है वो भी 90 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली NCR और पंजाब देश के ऐसे प्रदेश हैं जहां अधिकांश स्थानों पर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार है। वहीं कई शहरों में पेट्रोल के 110 रुपये लीटर के पार पहुंचने का भी हमने अनुमान देखा है कि 110 रुपये प्रति लीटर के पार भी कीमतें पहुंच गई हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो पेट्रोल सबसे महंगा मध्य प्रदेश के सिवनी में मिल रहा है, जहां 113 रुपये प्रति लीटर इस समय पेट्रोल के दाम हैं। और उसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी 113 रुपये प्रति लीटर में ये पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। तो ये देश के दो ऐसे शहर हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने 110 रुपये के आंकड़े को भी पार कर लिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हरियाणा के अंबाला से राजकुमार शर्मा इस समय लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अगर अंबाला की बात करें तो यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहां पहुंच चुकी हैं और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि रोजाना जो सरकार है ये किसी न किसी बहाने पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है जी। और 30 सितंबर की बात कहें तो जो पेट्रोल का रेट था वो 98 रुपये 52 पैसे था और जो डीजल का रेट था वो 89 रुपीज 70 पैसे रहा। लेकिन आज जो ये रेट है वो पेट्रोल का रेट जो है 99 रुपये 4 पैसे है और जो डीजल है उसका रेट 90 रुपये 34 पैसे है। और ये लगातार कीमतें जो है 28 से 30 पैसे दो दिनों में लगातार बढ़ रही हैं और इसी वजह से जो है आम नागरिक पर जो इसका असर पड़ रहा है और आम नागरिक की रसोई पर भी असर पड़ रहा है और ये महंगाई बढ़ रही है जी। बिल्कुल, महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, आम जनता का क्या कुछ कहना है राजकुमार इस पर? आम जनता की राय अगर हम जाने, आप क्योंकि लोगों के बीच में जाते होंगे, उनसे बातचीत करते होंगे, तो कितनी परेशानियां इस समय उन्हें झेलनी पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, जनता का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि सरकार जो है वो पिछले दरवाजे से रोड डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है। और जहां सरकार पहले इसमें GST में लाने के दायरे में लाने की बात कर रही थी, अगर सरकार इसको GST के दायरे में लाती है तो इस रेटों में जनता को भी काफी राहत मिल सकेगी। लेकिन ना जाने क्यों सरकार दो घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही जो है इसके रेट बढ़ा रही है। और पहले जैसे कांग्रेस के राज में रेट बढ़ते थे उस समय अगर देखा जाए तो हाहाकार मच जाती थी, लेकिन अब सरकार महीने में कम से कम 5 से 10 रुपये जो है डीजल और पेट्रोल के रेट पर लीटर बढ़ा रही है। इससे आम नागरिकों को भी काफी नुकसान हो रहा है जी। बिल्कुल, आम नागरिक काफी परेशान हो रहे हैं। और अगर बाजार की स्थिति के बारे में हम बात करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो कई सामानों की जो कीमतें हैं वो अपने आप बढ़ जाती हैं और त्योहार नजदीक है राजकुमार, तो ऐसे में बाजार की स्थिति इस समय क्या कुछ कह रही है? क्या बाजारों में उतनी भीड़ अभी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है कि बाजारों में जो है रौनक बिल्कुल गायब हो गई है। हालांकि त्योहार सर पे है, इससे पहले भी 2-3 त्योहार आ चुके हैं, लेकिन दुकानदारों से भी बातचीत की जाए तो उनका भी यही कहना है कि जो जिस तरह की पहले उनकी बिक्री होती थी, महंगाई होने की वजह से जो है ये बिक्री काफी कम हो गई है और दुकानदार ज्यादा देर वो है खाली बैठा रहता है। और इसके साथ साथ जो है उनका कहना, यदि सरकार इस पेट्रोल और डीजल को जो है GST के दायरे में लाए और इसके रेट कम कर दे, लेकिन अभी उसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है कि जल्द से जल्द GST के दायरे में इन्हें लाया जाए। शुक्रिया राजकुमार, आप हमारे साथ जुड़े। लोगों की जो जेब है वो अब खाली होती जा रही है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। महंगाई से आम जनता पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि महंगाई ने आम आदमी की कमर इस समय तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तीसरे दिन भी वृद्धि हुई है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा CNG और PNG के दामों में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। आम जनता पर
महंगाई की एक और मार पड़ती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद लोगों को एक और बड़ा झटका यहां लग गया है। दिल्ली समेत अन्य शहरों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में आज सीएनजी की कीमतों में 2.28 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आज यानी कि लगातार तीसरे दिन दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है और लगातार ये मांग की जा रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को आप जीएसटी के दायरे में लाएं, लेकिन साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जीएसटी के दायरे में सरकारें क्यों नहीं लाना चाहती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और इसका सीधा सीधा असर सरकारों के राजस्व पर पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही की जा रही है बार बार कि इन्हें जीएसटी के दायरे में ना लाया जाए। हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ महीने से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लोगों को रुला रखा है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी राहत देने के लिए सरकारों की तरफ से कोई काम नहीं किए जा रहे। रोजगार का अगर प्रबंध सरकार करे तो भी काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। और ऐसे में हम बात करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे, इन हालातों में कैसे उभरेंगे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर चाहेंगे कानपुर शहर में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या कुछ कह रही हैं और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अनुज जी, पल्लवी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पेट्रोलियम रेट है, जो पेट्रोल और डीजल के रेट है, कहीं ना कहीं आम जनमानस की जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा रखते हैं, क्योंकि हम जो भी चीजों का प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं वो आयात होकर के, ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे पास तक पहुंचती है और उसमें लगा हुआ वाहन और उस वाहन में लगा हुआ ईंधन, उस पर अगर प्राइस अगर बढ़ता है, डीजल का प्राइस बढ़ेगा और पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उस चीज का भी प्राइस बढ़ जाएगा जो हम उसको उपभोग कर रहे हैं। यहाँ पर कानपुर में मैं खड़ा हूँ इस समय, कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा वो दिखाएं कि कानपुर में वर्तमान में पेट्रोल की जो कीमत है वो 98.92 रुपये चल रही है कानपुर के अंदर, ये पेट्रोल की कीमत है। वही अगर हम बात करते हैं डीजल की, तो डीजल के लिए यहाँ पर कानपुर की जो स्थिति है वो 90.59 रुपये सुनिश्चित की गई है, जो कि ये डीजल टैंक बना हुआ है, देख लीजिएगा ये डीजल टैंक बना हुआ डीजल की मशीन है और इसमें 90.59 रुपये का एमआरपी चल रहा है कानपुर के अंदर। ये स्थिति है वर्तमान में डीजल और पेट्रोल की। अब हम बात करते हैं आम जनता के लिए कि आम जनता का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, मैं चाहूंगा कि इस तरह से ये डीजल, इस तरह से पेट्रोल डाल रहे हैं अपने, हमारे एक मित्र हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मानसिंह कनौजिया। मानसिंह जी, आप पेट्रोल डलवा रहे हैं जी? क्या रेट, पहले आप कब से पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप गाड़ी कब से रख रहे हैं इसको? 2010 से। पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, कुछ असर हुआ आपको? बिल्कुल हुआ, महंगाई का असर हुआ, बहुत दिक्कत मिलती है। पहले 50 रुपए में तो काफी दूर तक घूम आते थे, लेकिन अब तो ज्यादा दूर तक भी नहीं जा पाते हैं। अच्छा, बड़ी प्रॉब्लम होती है महंगाई को लेकर, महंगाई को लेकर समस्या होती है। जी बिल्कुल जी, ये एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, ये 2010 से अपना वाहन रखे हुए। यहाँ पर कुछ ट्रक वगैरह भी आते हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ट्रक हैं, ये लोग डीजल डलवाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन ट्रक ड्राइवरों से भी बात कर सकूं कि डीजल की स्थितियों को देखते हुए जिस तरह डीजल बढ़ रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें कि फरवरी में जो बजट लागू हुआ था, उस फरवरी के बाद से अब तक लगातार 11 बार बढ़ोतरी करी गई है। कभी कभी तो ये स्थितियां देखी गई हैं कि एक आधा पैसा कम कर दिया जाता है, वहीं एक आधा रुपया बढ़ा दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो 1 रुपया बढ़ाने के बाद अगर 2 पैसे कम किए जा रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं जनता के ऊपर 98 पैसे की एक बहुत बड़ी लाइबिलिटीज बन जाती है, कंधे पर एक जिम्मेदारियां आ जाती है जनता के साथ। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं एक बात बात करना चाहूंगा ड्राइवर साहब से, मैं चाहूंगा कैमरा मैन हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। आप ड्राइवर हैं? हाँ। कितना डीजल लेते हैं आप गाड़ी में? 64 लीटर। 64 लीटर। पहले कितने रुपए का लीटर चलता था ये? पहले तो रेट तो इसका घटता बढ़ता रहता है, कोई चीज तो है नहीं। 40-50 था और क्या? आपको इसका कोई असर पड़ता है? असर इसका मालिक पड़ता, हमारे ऊपर क्या पड़ता है? और जनता के ऊपर? जनता नहीं है, जनता तो है। तो आप सामान नहीं खरीदते हैं? सामान खरीदते हैं। तो आप जो चीज लेके आते हैं वो तो कहीं ना कहीं महंगी होगी ना, डीजल पेट्रोल महंगा होगा? डीजल पेट्रोल महंगा पड़ता है तो मोटर मालिक उसी हिसाब से अपना एडजस्ट करे, उसमें ड्राइवर क्या करेगा। चलिए, कुछ लोग और भी हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा, कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम मुरे पटेल है। अच्छा, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसे आप लोगों के जीवन में कुछ असर पड़ रहा है? असर क्या है कि हम जैसे करते हैं कि भाड़ा गाड़ी नहीं बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग को क्या फायदा है? डाउन में आते हैं, हर जगह जैसे गए तो वहाँ लोडिंग पे तो वहाँ रेट कम लगा, भाड़ा डाउन चल रहा है ना, डीजल बढ़ रहा है, भाड़ा डाउन हो रहा है, बताइए इसमें क्या है? गाड़ी वाले परेशानी ही है।
चारों तरफ से इनको परेशान किया जा रहा है गाड़ी वाले जी। पल्लवी, यहाँ पर जो मैं चाहूँ प्रयास करूंगा कि जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर एक मैनेजर है, मैं उस मैनेजर से बात करना चाहूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो पहले खपत थी, जो रेट कम थे डीजल और पेट्रोल के, तो खपत तब थी और जब रेट डीजल पेट्रोल के बढ़ गए तो खपत क्या उसी स्थान पर है या कम ज्यादा हुई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर सतीश त्रिवेदी। आप किस पद पर हैं पेट्रोल पंप पे? एज ए मैनेजर। एज ए मैनेजर। मैनेजर साहब, क्या स्थिति है अभी? जब पहले पेट्रोल डीजल कम हुआ करता था तो क्या रेट कम होने के कारण ज्यादा खपत होती थी या अब ज्यादा खपत होती है? क्या यथा स्थिति? नहीं, पहले ज्यादा खपत होती थी, अब कम है। क्या कारण है इसका? इसका यही महंगाई है, इनके जो तेल के और डीजल के पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, गरीब आदमी मरा जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर ध्यान दें और इसके लिए सार्थक कदम उठाएं, टैक्स वगैरह में कटौती करें, इसके ऊपर जो इतने टैक्स लगा रखे हैं उसको कम करें ताकि आम पब्लिक की जेब पे कम जोर पड़े। क्या रेट बढ़ने को लेकर के यहाँ पर जो लोग आते हैं डीजल पेट्रोल लेने के लिए, क्या वो भी आपसे कभी बहस करते हैं? नहीं, इस बारे में हमसे क्या बहस करेंगे, वो तो जानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये सब हो रहा है। मतलब जनता जागरूक है इसको? जी हाँ जी। पल्लवी, जैसा कि बताया गया है कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बेस प्राइस है, जो डीजल और पेट्रोल का बेस प्राइस है, ये बेस प्राइस को लेकर के उसके बाद कई तरह के टैक्स, जिसमें ट्रांसपोर्टेंस टैक्स होता है, इसके बाद केंद्रीय टैक्स होता है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है जो कि लगभग बेस टैक्स के बराबर होता है, उसके बाद वैट टैक्स होता है जो कि राज्य सरकारें अपने लिए लेती हैं, उसके बाद फिर कमीशन मिलता है डीलर को, और तक कहीं जाकर के उपभोक्ता की टंकी, गाड़ी की टंकी में जाकर के वो ईंधन पहुंचता है और उसके रेट कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ चुके होते हैं। हालांकि ये देखा गया है पल्लवी कि पिछले 3 सालों के बाद इस बार पहली बार 80-81 रुपए, क्षमा चाहूंगा 80-81 के ऊपर बैरल पहुंच गया कच्चे तेल की। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही साथ मौजूदा सरकार के कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती नजर आ रही है। पल्लवी, बिल्कुल, सरकारों की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीएसटी के दायरे में भी लाने की अभी कोई नहीं सोच रहा। हमने देखा था कि जब जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी तो योगी सरकार के मंत्री ने ही मना कर दिया था, वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम अभी लाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका बात तो बस यही है ना कि आपका पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जाएगा तो आपका राजस्व बढ़ता जाएगा और वो आप ही के लिए फायदेमंद होगा। अनुज, बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई दो राहे नहीं है इस बात पे कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि डीजल और पेट्रोल, ये सरकारों के लिए एक मोटी कमाई का जरिया बना हुआ है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा मोटी कमाई होती है। अगर हम बात करते हैं बेस, एक हम उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी डीजल या पेट्रोल का बेस प्राइस जो है वो 31 रुपए 32 पैसा है, तो वहीं अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो भी कहीं ना कहीं 32 रुपए 35 पैसे के आसपास जा रहा है, तो लगभग इक्वल टू पड़ जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं सर राज्य सरकारों की, तो राजस्थान की अलग वैट टैक्स नीति है और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग वैट टैक्स नीति और दिल्ली सरकार की अलग। भाई, अंडमान निकोबार एक महज एक ऐसा राज्य कहा जा सकता है अंडमान निकोबार, जहां पर सबसे कम वैट लिया जाता है खासकर पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में जनता की जो जेब पर एक डाका पड़ रहा है, क्योंकि 35 रुपए लीटर डीजल का उस पर वो कटौती, क्षमा चाहूंगा, उस पर बढ़ोतरी करते करते वो टैक्स बढ़ते बढ़ते वो पेट्रोल 90 रुपए चल जाता है और डीजल 90 रुपए 59 पैसे पहुंच जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम मंत्री की, तो उनका एक बयान जारी हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि ये जीएसटी में शामिल करना जीएसटी समिति के ऊपर निर्धारित करता है कि जीएसटी समिति इसको निर्धारित करेगी कि इसको जीएसटी के दायरे में लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी सरकारों के लिए, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि डीजल और पेट्रोल उनकी कमाई का एक मोटा जरिया साबित होता है हमेशा से। बिल्कुल, शुक्रिया अनुज, आप हमारे साथ जुड़े इतनी अहम खबर पर तमाम चर्चा के साथ और आपने आम जनता की राय भी हम तक पहुंचाई। तो महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कानपुर से हमारे संवाददाता अनुज तिवारी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जनता की राय भी उन्होंने हम तक पहुंचाई और जनता का ये साफ तौर पर कहना है कि आप महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रोजगार के साधन नहीं है, इससे साफ तौर पर परेशानियाँ बढ़ रही हैं और लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। और वाकई में ये सोचने वाली बात है कि कमाई का जरिया लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, ऐसे में वो किस तरीके से आने वाले समय में सर्वाइव कर पाएंगे।
ओपेक प्लस की बैठक होनी है 4 अक्टूबर यानी कि सोमवार को। इस बैठक से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन घटाने की तैयारी है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इन्हीं खबरों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौटी है। आने वाले दिनों में ये तेजी बरकरार रह सकती है। आपको बता दें कि भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतें तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। कीमत तय करने में विदेशी बाजार में क्रूड ऑयल के दामों का बड़ा रोल होता है। तेल कंपनियां क्रूड ऑयल की 15 दिनों की औसत कीमत और डॉलर के मूल्य के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती हैं। ओपेक प्लस की जो बैठक है वो 4 अक्टूबर यानी सोमवार को होगी। इस बैठक से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन घटाने की तैयारी है, हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से आग लगती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खंडों में ब्रेंट क्रूड के जो दाम हैं वो बढ़कर फिर से $80 प्रति बैरल के नज़दीक पहुंच गए हैं। इसी के बाद घरेलू बाजार में देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया। दिल्ली में 2 अक्टूबर को 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़कर 102.14 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल के दाम बढ़कर 90.48 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। आपको बता दें कि इस हफ्ते में पेट्रोल यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल के दामों ने सेंचुरी का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। इन सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार चली गई है। इसके अलावा CNG और PNG के दाम भी बढ़ाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की जो कीमत है उनमें 62% की वृद्धि की हालिया अधिसूचना के बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शुक्रवार को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बिक्री कीमतों में भी संशोधन की घोषणा कर दी थी। तो CNG और PNG के दाम जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। दिल्ली समेत अन्य शहरों में CNG और PNG की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में आज जो CNG की कीमतों में लगभग 2.5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आज अक्टूबर को लगातार 3rd दिन दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में लगातार देख रहे हैं हम कि फ्यूल प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही यानी कि 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई थी। 43.05 रुपये प्रति लीटर प्रति सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ाए गए थे। इसके बाद आज CNG की कीमत भी बढ़ गई है और पेट्रोल और डीजल के दामों में भी महंगाई हुई है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा आने वाले समय में। कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो तुरंत तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती हैं, लेकिन कच्चे तेल का दाम घटने पर राहत देने के नाम पर पेट्रोलियम कंपनियों को मानो दिक्कतें पेश आ जाती हैं। लगातार 100 रुपये के पार चल रहा पेट्रोल भराने वाली जनता की हकीकत यह है कि उसे राहत देने के नाम पर महज लटकाया जाता है।